पावर बीआई में टेक्स्ट फंक्शन को समझने के बाद आइए चलिए अब डेट फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो एक्सेल की तरह यहाँ भी बहुत सारे कॉमन फंक्शंस हैं पावर बीआई के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा डेटा। तो यहाँ पे मैंने कैलेंडर लुकअप ऐड किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेल की तरह कुछ यहाँ पे न्यू कॉलम्स ऐड करेंगे और पावर बीआई के मोर फंक्शंस जो कि डेट रिलेटेड हैं उन फंक्शंस को समझेंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करते हैं। एक्सेल के अंदर तीन फंक्शंस होते हैं, डे, मंथ एंड ईयर। तो डे क्या करता है, किसी भी डेट से डे जो नंबर होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 जनवरी की बात करूँ तो जो डे होगा वो नंबर 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेट्स से डे, तो यहाँ पे डे फंक्शन आपका देखेंगे तो पावर बीआई में पावर एक्सेल की तरह बिल्कुल सेम है। ये फंक्शन एक्सेल की तरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको सिंपल डेट डालना है और ये रहा आपका कैलेंडर लुकअप। क्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस को और एंटर, तो आपका डे आ गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास मंथ है। मैं यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड कर लेता हूँ मंथ फंक्शन। एक्सेल के अंदर भी सेम फंक्शन है हमारे पास, मंथ और डे। आप देखिए ये पहला फर्स्ट मंथ है और नीचे आएंगे अगर हम, ये दिस इज फरवरी सेकेंड मंथ है। तो आगे चलते हैं, न्यू कॉलम ऐड करते हैं और अब की बार मैं दिखाता हूँ आपको थर्ड फंक्शन करके ईयर। ये थ्री फंक्शन ऐसे थे जो एक्सेल के अंदर बिल्कुल सेम थे और यहाँ पे भी आपके बिल्कुल सेम हैं। और आप, मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम जो है वो गलत ले लिया है और ये रहा आपका ईयर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एज फंक्शन। एक्सेल के अंदर एज निकालने के लिए हम फंक्शन यूज करते थे डेटेड इफ, यहाँ पे भी हम फंक्शन यूज करेंगे डेटेड इफ। तो एक्सेल के अंदर जो डेटेड इफ होता है वो हाइड होता है, बट यहाँ पे आपका डेटेड इफ हाइड नहीं होता, यहाँ पे आपको ऑलरेडी अनहिडन मिल जाता है। तो यहाँ पे न्यू कॉलम करूंगा मैं और यहाँ पे निकालता हूँ एज और डेटेड इफ। यहाँ पे दो डेट पूछ रहा है, एक्चुअली डेट 1 और डेट 2 को कहते हैं स्टार्टिंग डेट, ओल्ड डेट और न्यू डेट भी कह सकते हो आप। तो ओल्ड डेट आप ले सकते हो डेट जो कि मेरे डेट कॉलम में है और कॉमा। नाउ डेट 2 मैं आज की डेट ले सकता हूँ, एक्सेल में आज की डेट लेने के लिए फंक्शन होता है टुडे, पावर बीआई में भी सेम फंक्शन है टुडे कॉमा। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक नई चीज है हमारे पास क्वार्टर। एक्सेल में क्वार्टर का फीचर नहीं है, सेकंड का फीचर नहीं है, आवर्स का, मिनट का फीचर नहीं है, बट यहाँ पे पावर बीआई के अंदर ये चार फीचर ऐसे हैं जो डेटेड इफ के अंदर नए हैं। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ लेट से ईयर, तो ये निकालेगा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स हैं 4 ईयर्स। आप देखेंगे 1 जनवरी 2024 ऑलरेडी हैज गॉन, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 ईयर निकल चुके हैं। आगे चलते हैं डेट के और फंक्शंस की ओर। यहाँ पे हमारे पास न्यू कॉलम ऐड करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एंड ऑफ द मंथ। तो पावर बीआई में भी है हमारे पास एंड ऑफ द मंथ फंक्शन, ईओ मंथ फंक्शन कहते हैं। एक्सेल में बिल्कुल सेम फंक्शन है, यहाँ पे भी सेम है। डेट, डेट का कॉलम ले लेंगे और आपको जितने मंथ ऐड करने हैं, अगर आपको उसी मंथ का एंड निकालना है तो 0, अगले मंथ का एंड निकालना है तो -1, अदरवाइज 1 फॉर नेक्स्ट मंथ। तो मैं यहाँ पे 0 निकाल रहा हूँ, उसी मंथ का एंड निकाल रहा हूँ, तो एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गया उसका एंड ऑफ द मंथ। आप यहाँ से इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं टेबल टूल्स में आके, सॉरी कॉलम टूल्स में आके। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है डेट एंड टाइम में, आप इसको खाली डेट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट भी हो गया। आगे चलते हैं, अब पावर बीआई के अंदर कुछ नए फंक्शंस हैं डेट रिलेटेड, उनकी बात करते हैं। पावर बीआई में न्यू कॉलम ऐड करके दिखाता हूँ मैं आप क्या क्या नए फंक्शंस हैं। मैं आपको 3-4 एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है स्टार्ट ऑफ द ईयर। आप देखेंगे एक्सेल के अंदर ये वाला फंक्शन नहीं है, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर एंड स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये तीनों फंक्शन हमारे पास एक्सेल में नहीं है, बट पावर बीआई में है स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या करेगा, उस वाले ईयर को जो भी स्टार्ट होगा, यहाँ पे आप कैलेंडर लुकअप ऐड कर देते हैं और इस वाली डेट का स्टार्ट ऑफ द ईयर निकाल देगा। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर होगा 1 जनवरी 2022 इन एवरी केस।
आप देखेंगे इट इज 1 जनवरी 2020 इन एवरी केस। नाउ उस पर क्लिक कर लेते हैं और फॉर्मेटिंग कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं डेट। तो यहाँ पे दो और फंक्शन है, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर। आगे चलते हैं, एक और न्यू कॉलम ऐड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक नया फंक्शन है डेट ऐड। अब डेट ऐड क्या करता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। डेट ऐड यहाँ पे ये पूछ रहा है डेट क्या लेंगे आप, तो मैं अपनी डेट फिर से वही वाला कॉलम ले लेता हूँ जो अभी तक ले रहा था, ये रहा कॉमा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इंटरवल मतलब होता है कितने दिन ऐड करने हैं, कितने महीने, कितने ईयर्स। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 लेता हूँ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितने दिन, अगर आप डे क्लिक कर देंगे तो हर डेट में एक एक डे ऐड हो जाएगा, अगर आप एक मंथ क्लिक कर देंगे तो हर डेट में एक एक मंथ ऐड हो जाएगा, एक क्वार्टर ऐड कर देंगे तो हर एक डेट में क्वार्टर ऐड हो जाएगा, ईयर ऐड कर देंगे तो ईयर ऐड हो जाएगा। तो मैं मंथ लेके दिखाता हूँ आपको, मंथ और डेट ऐड। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब डेट में एक एक मंथ ऐड हो गया है सेम डेट में, और ये है आपका डेट ऐड फंक्शन। इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको भी डेट कर देते हैं। अब मैं आपको लास्ट एग्जांपल दिखाता हूं डेट का, जो कि हम निकालेंगे फिस्कल क्वार्टर। फिस्कल क्वार्टर में भी हम मिड फंक्शन यूज करते थे एक्सेल के अंदर, यहां पे भी हम मिड फंक्शन यूज करेंगे, आपको दिखाता हूं करके। टेबल में ऐड करेंगे न्यू कॉलम और यहां पे लेंगे फिस्कल क्वार्टर। मैं यहां पे अब जो निकालूंगा क्वार्टर, अप्रैल टू जून लूंगा क्वार्टर 1, जुलाई टू सितंबर लूंगा क्वार्टर 2, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर 3, जनवरी टू मार्च क्वार्टर 4। तो यहाँ यूज करेंगे मेड, मेड फंक्शन निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से मंथ निकाल लेते हैं अपना। तो मंथ निकाल लेते हैं एक बार, मंथ डेट। तो यहां से अब मेरे को ये एक्चुअली जो देगा मैं आपको दिखाता हूं करके, यहां से ये दे रहा है नंबर 1। अब मैं यहां पे लगाता हूं मिड फंक्शन, मिड फिस्कल क्वार्टर ऐड करने के लिए आप कभी भी एक फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, मल्टीपल फंक्शन को यूज करना पड़ता है। तो मैं आकर के दिखाता हूं, मैं पहले 3 महीने के लिए फोर्थ क्वार्टर लूंगा, जनवरी होगा तो भी फोर्थ क्वार्टर, फरवरी होगा तो भी फोर्थ क्वार्टर, और मार्च होगा तो भी फोर्थ क्वार्टर। सिमिलरली अप्रैल मई जून 111 एंड 222 एंड 333, इसको डबल कोट्स में डाल देंगे। तो अब आप देखेंगे ये आपका टेक्स्ट आ गया, स्टार्टिंग पोजीशन जो आपकी रहेगी, स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी, क्योंकि अगर आप देखिए नंबर 12 आएगा तो इसका मतलब आपका 12 महीने चल रहा है, 12 महीने में आपको 3 निकालना है। तो यहाँ पे ये जो रहेगा ये रहेगी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन कॉमा 1 नंबर ऑफ करेक्टर के लिए, और यहाँ पे एंड में हम इसमें ये आपका, अगर मैं इसको एंटर मारूं तो यहाँ पे ये दिखाएगा नंबर ऑफ क्वार्टर। अगर मैं क्वार्टर भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, क्यू टी आर डबल कोट्स में ऐड करना होगा, क्यू टी आर एंड इस पूरे फॉर्मूले को ऐड कर देते हैं। बिल्कुल एक्सेल की तरह डैक्स चल रहा है, और आप देखेंगे फिस्कल क्वार्टर भी हमारे पास आ गया। तो ये है कुछ एक्सेल के और पावर बीआई के डेट फंक्शंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।